दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं, वो अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो देते हैं सब स्मार्टफोन पर देना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर ये सारे लोग एक्सपर्ट हैं, ये सारे लोग तो असल में अगली बार यही चाहेंगे कि चुनाव भी सोशल मीडिया पर ही हो जाए। इंडिया की 125 अरब आबादी ने पाकिस्तान का टमाटर बंद करके एक नीच हरकत की है। हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के शहरियों, डरो पाकिस्तान से। हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। ये मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। दिल्ली की जनता अपने जीवन के संघर्ष में ही पूरी तरह से बिजी है, लिप्त है, उसे बाकी के देश से कोई मतलब नहीं। दिल्ली की जनता को बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वो उनसे प्रभावित नहीं होती। दिल्ली का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा गया है और दिल्ली वालों को भी स्थानीय मुद्दे ही पसंद आए और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जनता ने यह बता दिया कि ये बातें सोशल मीडिया पर लिखने के लिए बहुत अच्छी हैं, न्यूज चैनल्स पर देखने के लिए बड़ी अच्छी हैं, अखबारों में पढ़ने के लिए ये बातें बड़ी अच्छी हैं, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो ड्रिंक्स के साथ डिस्कशन करने के लिए, राजनीति की बातें करने के लिए सारे मुद्दे बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें यह देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है। दिल्ली के लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय मुद्दों पर राय तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन वोट डालने बाहर नहीं निकलते। यानी दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं, वो अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो देते हैं सब स्मार्टफोन पर देना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर ये सारे लोग एक्सपर्ट हैं, ये सारे लोग तो असल में अगली बार यही चाहेंगे कि चुनाव भी सोशल मीडिया पर ही हो जाए, क्योंकि उसके लिए इन्हें पोलिंग बूथ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दिल्ली की जनता ने आज ये बता दिया कि वो सिर्फ अपने स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं, वो वोट डालने नहीं जाएंगे, बातें बड़ी बड़ी करते रहेंगे। बिल्कुल, इंडिया की 125 अरब आबादी ने पाकिस्तान का टमाटर बंद करके एक नीच हरकत की है। उनका यह ख्याल है कि पाकिस्तानी जो है टमाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन मैं ये तोबा का ये मुकाम है कि इस वक्त जो है टमाटर बंद करके जिस तरह उन्होंने कहा है, और ये हम टमाटर मोदी के राहुल के मुंह पर मारते हैं, तोबा ये इंडियन की गंदी और नीच हरकत की है। और जिस तरह इंडियन आज जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, जिस तरह मीडिया इंडिया का जल रहा है, इसी तरह उनके टमाटर भी जलेंगे। और मैं हिंदुस्तान के मीडिया को और हिंदुस्तान की 125 अरब आबादी को यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और ये एटम हम अपने ड्राइंग रूम में जाने के लिए नहीं बनाए, ये एटम हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए गए हैं। और तोबा अब वो वक्त आ गया है कि टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाएगा, और ये तोबा का मुकाम है। इंडिया ने यह समझ लिया है कि टमाटर बंद करके पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकते। जो दही है वो टमाटर का मुतबादल हल है, और पाकिस्तान अगले साल खुद जो है भारत को टमाटर जो है एक्सपोर्ट करेगा, और इस हवाले से तमाम इंतजाम हुकूमत पंजाब ने कर लिए हैं। और ये पाकिस्तान जो है ये एक जिंदा कौम है, भारत को बता देना चाहते हैं, भारत के मीडिया को बता देना चाहते हैं, ये तोबा का मुकाम है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। हिंदुस्तान के मीडिया, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के शहरियों, डरो पाकिस्तान से, डरो उस वक्त से जब पाकिस्तान के एटमी हथियार हरकत में आएंगे, जब पाकिस्तान के मिसाइल हरकत में आएंगे, और ये तोबा करो। और मैं हिंदुस्तान के मीडिया को कहूंगा कि वो भी तोबा करे। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.